मेरा नोट करो मेरे भाइयों, अल्लाह के पैगंबर का जो जिक्र करता है, अल्लाह के पैगंबर का जो मीलाद मनाता है, खुशियों के मौके पर मुस्तफ़ा का जिक्र है, मौत के मौके पर मुस्तफ़ा का जिक्र है, हर लम्हे में मुस्तफ़ा का जिक्र है, पैदाइश के वक्त में मुस्तफ़ा का जिक्र है, आने के वक्त में मुस्तफ़ा का जिक्र है, जाने के वक्त में मुस्तफ़ा का जिक्र है। तो पूछ लो, मैं बताना ये चाहता हूँ, वो मर्द कलंदर अल्लाह की कौन सी सुन्नत अदा करता है? अपने बेटे की शादी के मौके पर मुस्तफ़ा का जिक्र है तो मेरा रब करीम इरशाद फरमाता है, ए दुनिया वालों सुनो, मैंने हजरत आदम को भेजा है ताकि हजरत आदम मेरे नबी का चर्चा करें, मैंने हजरत नूह को भेजा है ताकि हजरत नूह मेरे नबी का चर्चा करें, मैंने हजरत जकरिया को भेजा है ताकि जकरिया मेरे नबी का चर्चा करें, मैंने हजरत यहया को भेजा है ताकि यहया मेरे नबी का चर्चा करें, मैंने सुलेमान को भेजा है ताकि सुलेमान मेरे नबी का चर्चा करें, मैंने दानियाल को भेजा है ताकि दानियाल मेरे नबी का चर्चा करें, मैंने याकूब को भेजा है ताकि याकूब मेरे नबी का चर्चा करें, मैंने हजरत यूसुफ पैगंबर को भेजा है ताकि मेरे नबी का चर्चा करें, मैंने अबू बकर को भेजा है ताकि नबी का चर्चा हो, मैंने उमर को भेजा है ताकि नबी का चर्चा हो, मैंने उस्मान को भेजा है ताकि नबी का चर्चा हो, मैंने अली को भेजा है ताकि नबी का चर्चा हो, मैंने इमाम हसन को भेजा है ताकि नबी का चर्चा हो, मैंने हुसैन को भेजा है ताकि नबी का चर्चा हो, अरे मैंने जिब्राइल को भेजा है ताकि नबी का चर्चा हो, मैंने मीकाईल को भेजा है ताकि नबी का चर्चा हो, मैंने इसराफील को भेजा है ताकि नबी का चर्चा हो, मैंने किरामन को भेजा है ताकि नबी का चर्चा हो, मैंने कातबीन को भेजा है ताकि नबी का चर्चा हो, आगे बढ़ो, मैंने ज़ैनुल आबिदीन को भेजा है ताकि नबी का चर्चा हो, इमाम मोहम्मद को भेजा है ताकि नबी का चर्चा हो, इमाम जाफर को भेजा है ताकि नबी का चर्चा हो, इमाम बाकर को भेजा है ताकि नबी का चर्चा हो, सिरदी सख्ती को भेजा है नबी का चर्चा हो, जुनैद बगदादी को भेजा है नबी का चर्चा हो, औसी आजम को भेजा है नबी का चर्चा हो, करीम नवाज को भेजा है नबी का चर्चा हो, अलाउद्दीन को भेजा है नबी का चर्चा हो, निजामुद्दीन को भेजा है नबी का चर्चा हो, अलाउद्दीन को भेजा है नबी का चर्चा हो, अरे मैंने कुरान को भेजा है ताकि नबी का चर्चा हो, अपने हबीब को भेजा है ताकि मेरे हबीब का चर्चा हो, आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिक को, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी का चर्चा करने के लिए 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम लिविंग अवरदा पैगंबर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमिंग टू द वर्ल्ड, फिर मेरे नबी को छोड़कर 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम की जमात आ रही है ताकि मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र हो। अब मैं पूछना चाहता हूँ, अब ये मोहम्मद हबीब साहब अपने बेटे की शादी के मौके पर मुस्तफा का जिक्र करके ना तनहा रब की सुन्नत अदा कर रहे हैं, बल्कि मोहम्मद हबीब ने अपने बेटे की शादी के मौके पर मुस्तफा का जिक्र करके तमाम पैगंबरों की सुन्नत अदा कर ली, रब का तरीका अदा कर लिया है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा और नहीं सुनता है नहीं मांगने वाला। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद, ये आजमत है। आओ देखो मेरी कौम के लोगों, ये शान है नबी के जलसे की, यासमत है नबी के जलसे की। तो सोचो, जिसने अपने बेटे की शादी के मौके पर मुस्तफा का जिक्र किया हो तो उसने तमाम अंबिया की सुन्नत भी अदा कर ली, तमाम पैगंबरों की सुन्नत अदा कर ली। नई मख्तर हवाला दे रहा हूँ, हैरत में पड़ जाओगे, दुआओं से नवाजोगे। कौन सी सुन्नत अदा की है आज मोहम्मद हबीब ने अपने बेटे की शादी के मौके पर? हवाला कुरान से दूंगा ताकि कोई मुल्ला काट ना सके, नबी की हदीस से हवाला दूंगा ताकि कोई मुल्ला काट ना सके। आओ, मुस्तफा का मीलाद हो रहा है, मुस्तफा का जिक्र हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, वहां भी हुआ था, खबर में भी मुस्तफा का जिक्र होगा, कयामत के मैदान में भी मुस्तफा का जिक्र होगा। आज मोहम्मद हबीब ने कौन सी नबी की सुन्नत अदा की है? अपने कलेजे को पकड़ के देखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक शादी और कराई थी, एक शादी कल होगी, एक शादी आज हो रही है, एक शादी कल होगी, एक शादी आज हो रही है, और एक शादी जन्नत में भी अल्लाह ने कराई थी। तड़प के बोलो, देखो तकरीर सुनो, माइक पर मत जाओ, आवाज कहो, मैं विदाउट माइक आई एम एबल टू डिलीवर स्पीच विदाउट माइक बाय ग्रेस अल्लाह, बताए प्रॉफिट रसूलुल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। मैं बगैर माइक के भी तकरीर कर सकता हूँ, आई हैव नो प्रॉब्लम टू डिलीवर स्पीच विदाउट माइक, अल्हम्दुलिल्लाह बाय ग्रेस अल्लाह, बोलो।
लेकिन तकरीर की आवाज कम कर दो, बस मैं डिस्टर्ब ना हूँ, ये डिस्टर्ब ना हो। बहुत अच्छा मैं बोल रहा है ना। और एक थोड़ा सा एडवाइस दे दूं आपको, क्योंकि हम लोग इतने मास्टर हो चुके हैं माइक पर बोल बोल के, हम ये बता सकते हैं माइक कहां पर सेट होगा। कोई माइक का लाल नहीं जो इतने करीब स्पीकर रख के माइक सेट कर सके, नहीं कर सकता। ये हमारा एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है इसी स्टेज का। तो जब भी रखा करो माइक थोड़ा दूर रखा करो और चारों तरफ स्पीकर लगाया करो, ऑटोमेटिक अपनी आवाज सही हो जाएगी। तुम्हें जरूरत नहीं है कुछ करने की। अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं तारीख दे रहा हूँ, एक हवाला दे रहा हूँ, शादी के ताल्लुक से गुफ्तगू कर रहा हूँ, वहीं पर लाऊंगा जहाँ पर आप मुझे ले जाना चाहते हो। लेकिन यू विल हैव टू लिसन माय स्पीच केयरफुली इफ यू वांट टू क्रिएट सक्सेस इन योर लाइफ इन द बेड। बोलो, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया के कई मुल्कों का सफर किया है मैंने, अमेरिका का सफर मैंने किया है, हॉलैंड का सफर मैंने किया है, बर्तानिया का सफर मैंने किया है, वेस्ट इंडीज का सफर मैंने किया है, बांग्लादेश का सफर मैंने किया है, नेपाल का सफर मैंने किया है, यूरोप का सफर मैंने किया है, एशिया के कई मुल्कों का सफर मैंने किया है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो तकरीर सुनो, जहन हाजिर है, अब माइक की तरफ मत जाना, मेरे जहन की तरफ जाना, मेरी जबान में अल्लाह ने माइक लगा दिया है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाले बोलो सुभान अल्लाह। जुमला नोट करो, नईम अख्तर साहब जो जुमला दे रहा हूँ बड़ा तहकीकी जुमला दे रहा हूँ। एक मोहम्मद हबीब की बेटे की शादी कल होगी, एक शादी कल भी हुई थी, वो शादी जन्नत में हुई थी, ये शादी दुनिया में हुई है। उस शादी को कराने वाला परवरदिगार था, इधर शादी कराने वाला मोहम्मद हबीब है। लेकिन फर्क देखो, शादी उधर भी है, शादी इधर भी है, निकाह उधर भी है, निकाह इधर भी है, सुन्नत उधर भी है, सुन्नत इधर भी है, हुक्म खुदाबंदी उधर भी है, हुक्म खुदाबंदी इधर भी है। लेकिन एक चीज सेम थी, उधर शादी हो रही है, इधर भी शादी हो रही है, लेकिन दोनों शादियों के मौके पर जिक्र किसी का और नहीं हो रहा है, शादी आदम की हो रही है, जिक्र मुस्तफा का। अल्लाह हु अकबर। और तो शादी आदम की, जिक्र मुस्तफा का। जोर से बोल दो, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। शादी आदम की हो रही है, जिक्र मुस्तफा का हो रहा है। आओ तवज्जो से सुनो, इस गांव के मुसलमानों, अगर मैं इस गांव का नाम लूंगा तो हो सकता मेरी जबान से गलत जुमला निकल जाए, क्योंकि इतना मुश्किल नाम है, बड़ा मुश्किल काम है इस गांव का नाम लेना। म्यूंडी, हमारा ड्राइवर भी कंफ्यूज था, हम भी कंफ्यूज की म्यूंडी या ड्यूडी या क्या गाँव है। अल्लाह सलामत रखे इस गाँव। बोल दो जोर से सुभान अल्लाह। कल जो शादी होगी, लेकिन शादी जन्नत में भी हुई थी। अब जरा मेरे मुस्तफा की अजमत का अंदाजा लगाओ, शादी हो रही है, मुस्तफा का जिक्र हो रहा है। अल्लाह ने जन्नत में एक औरत को पैदा फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से अल्लाह ने हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। दुनिया का पहला इंसान है, दुनिया की पहली औरत है, जिसका नाम हजरत हव्वा है। दुनिया का पहला इंसान है, जिसका नाम हजरत आदम है। अब हजरत आदम के पेट से, हजरत आदम की पसली से अल्लाह ने हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। हजरत हव्वा जब पैदा हो गई, हजरत आदम ने हजरत हव्वा को देखा, हजरत हव्वा ने हजरत आदम को देखा। देखो शादी हो रही है, लेकिन मेरे मुस्तफा का जिक्र कैसे हो रहा है, मेरे मुस्तफा की अजमत का ऐलान कैसे हो रहा है, मेरे मुस्तफा की नबुव्वत का ऐलान कैसे हो रहा है, मेरे मुस्तफा की वफा का ऐलान कैसे हो रहा है। शादी हो रही है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम ने कहा, हे मौला ये कौन औरत है। अल्लाह ने फरमाया, आदम ये तुम्हारी बनने वाली बीवी है, इसका नाम हजरत हव्वा है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब हजरत हव्वा को देखा, उनके हुस्न जमाल को देखा, उनकी खूबसूरती को देखा, उनकी रानाई को देखा, उनके महजबी के अंदाज को देखा। बड़ी महपारा महलका है हजरत हव्वा, वो हजरत हव्वा जो हमारी भी बाप माँ है, वो हजरत हव्वा जो हजरत मूसा की भी माँ है, वो हजरत हव्वा जो हजरत दाऊद की भी माँ है, वो हजरत हव्वा जो हजरत ज़करिया की भी माँ है, वो हजरत हव्वा जो 1 लाख पैगंबरों की माँ है, वो हजरत हव्वा जो अबू बकर की भी माँ है, वो हजरत हव्वा जो उमर की भी माँ है, वो हजरत हव्वा जो हजरत यूसुफ की भी माँ है, वो हजरत हब्बा जो गौसे आजम की भी माँ है, वो हजरत हब्बा जो नबियों के इमाम रसूलुल्लाह की भी माँ। जोर से बोलो अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। आज मोहम्मद हबीब के बेटे की शादी के मौके पर, इमरान साहब की शादी के मौके पर तारीखी खिताब सुनो।